अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गली के शो के एक नए एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदीद। एंड द यूजुअल गैंग ऑफ शरियार तैमूर एंड शान आर हियर। और आज के एपिसोड पे हम लोग हमारा जो हमारी जो लीडरशिप बैठी है आज विद बाबर आजम, शान मसूद, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी एंड मैनी ऑफिशल फ्राम द बोर्ड, के क्रिश्चन, जिन्होंने ये कनेक्शन कैंप जो एक उन्होंने नाम दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम चूज़ किया इन लोगों ने। बट आज ये पूरी टीम बैठी है, वही रटी रटाई बातें डिस्कस हुई हैं कि हमने स्टार के लिए खेलना है, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है जो पूरा का पूरा मजमा जो चलता हुआ आ रहा है। बट वन थिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस वाज के बाबर आजम एंड शान मसूद विल कंटिन्यू टू बी रिमेन to be captains for their respective formats. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि लीडरशिप में चेंज नहीं आ रहा, जो कि काफ़ी लोगों को एक मौजू मिला हुआ था बात करने पर। सो आप लोग, गाइस आप लोग बताएं क्या क्या फीलिंग है आप लोगों की इस कनेक्शन कैंप में, क्या कनेक्शन बने? मोहसिन नकवी साहब तो ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू आए हुए थे, वो भी अटेंड कर रहे थे, तो क्या 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 आपकी फीलिंग्स हैं? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। हाँ, उनका कनेक्शन बहुत स्टेबल था, जूम पे थे वो। अच्छा, कनेक्शन कैम क्या था? ये दुखड़े सुनाने की बैठक थी। वो कोचेस ने अपना दुखड़ा सुनाया, प्लेयर्स ने अपना सुनाया, पीसीबी ने सारी बल्ली जो है वो प्लेयर्स पर डाल दी कि जी वो यूनिटी का फुकदान था और ये था और वो था। किसी वो जितने भी वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई कि ये इस यूनिटी के फुकदान में पीसीबी का क्या किरदार था। ठीक है, उस पर किसी ने बात नहीं की। सब जो है, हाँ, वो प्लेयर्स ने एग्री किया कि जी यूनिटी की कमी थी और जी हम स्टार के लिए खेलेंगे और आगे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, पीछे वाले के लिए नहीं खेलेंगे और ये और वो। बात सारी ये है भाई कि आपने, अच्छी बात है, आप सब मिल के एक जगह बैठे। अपेरेंटली ये मोहसिन नकवी साहब का आइडिया था कि जी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल आ रहा है टीम का, तो उनसे जो है वो बातचीत नहीं हो पाएगी, तो जी एक बैठक लगाई जाए जिसके अंदर डिस्कस की जाए चीज़ें और ये वो। ऑन द फेस ऑफ इट इट वॉज अ गुड थिंग टू डू कि हाँ भाई सही है, अब आप लेट्स कम टुगेदर टू सी के यार हमें आगे अगले एक साल हमें ये कैसे लेके जाना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आपके जो ऑन द फील्ड इश्यूज है ना, वो इस बैठक से कभी भी हल नहीं होंगे। आपने अभी, हम आगे जाके चैंपियंस कप पे बात करेंगे, आपने एक मंजन लोगों को दिया कि जी कि हम चैंपियंस कप करा रहे हैं, इससे हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, राइट? तो चैंपियनशिप कराने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया है, कोई आपको जो है वो उस तरह से प्लेयर आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आया है, वही आपको घूम फिर के वही प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी अरसे से सर्किट में चल रहे हैं, राइट? तो ऑन द फील्ड इशूज़ आपके उससे कोई सॉर्ट आउट नहीं हुए। हाँ, ऑफ द फील्ड इशूज़ जो पीसीबी ख़ुद क्रिएट करता है वन वे और दी अदर, अगर उसके अंदर वो कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। होपफुली वो उसको वो लोग रेक्टिफाई करके बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वो हमें नज़र आ जाएगा। अभी इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, वो हमें पता चल जाएगा कितना कनेक्शन बना है और कितना नहीं बना। बाकी ये कि जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उस पर कोई बात बात उस तरह से हुई नहीं है जो उन्होंने आके प्रेशर दिया है। सलमान साहब ने सारी इधर उधर की बातें की हैं उन्होंने, मगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कोई भी बात नहीं की कि भाई कि हमने अपने जो हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं टीम के, जो हमें रिसोर्सेज का जो मसला आ रहा है उसको कैसे एड्रेस करना है, उसको कैसे आगे लेके चलना है, उस पर कोई बात नहीं है। बस इधर उधर की सारी बातें उन्होंने कर ली हैं। अब भाई हम जो है उसे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और जो है ना हम बस अब जो है ना पेट्रियोटिज्म हमारा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा अब इंशाल्लाह ताला। ऐसे क्या कहते हैं, ये एक बात भी बड़ी हैरानी की बात है कि टेस्ट सीरीज आने वाली है। मुझे तैमूर, आपको बात ही शायद और लगे ना लगे, मुझे ये इस चीज़ का बता दें कि ये टेस्ट सीरीज से वनडे कप कराने का क्या कनेक्शन है?
इसके बारे में कोई बात हुई होगी, इसके इसका कनेक्शन पता चला लोगों को, इसका क्या कनेक्शन था? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स. नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग पे है कि ठीक है, एक टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हमें जैसे शहरयार ने कहा कि सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे और सवाल काफ़ी खड़े हो गए हैं इस टूर्नामेंट की वजह से, जिस पे आई एम श्योर हम बात करेंगे थोड़ी देर में. देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो कनेक्शन कैंप है ना, वो कहते हैं ना, क्रिकेट में बैटिंग करते हुए आपकी शॉट जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी आप कवर ड्राइव मारें, ये करें वो करें, लेकिन जब तक शॉट में टाइमिंग नहीं होगी ना, तो शॉट जितनी मर्जी अच्छी हो उसमें कुछ नहीं करना. सिमिलरली, इस पूरे कनेक्शन कैंप की जो टाइमिंग है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऑड था. इसका मतलब, अगर ये इसको उस तरह से एडवर्टाइज ना करते जिस तरह से इन्होंने किया इसको, एक कॉस्मेटिकली आपने एक चीज़ पब्लिक को दे दी है कि ओ बाय द वे हम लोग ये कनेक्शन कैंप कर रहे हैं. इट कुड हैव बीन जस्ट अनदर मीटिंग एट पीसीबी कैंप, राइट? इट डिडंट हैव टू बी मार्केटेड और एडवर्टाइज एज लाइक कनेक्शन कैंप के ओ यू नो वी आर गेटिंग ऑल द टॉप ब्रास टुगेदर फ्रॉम द टीम एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड यू नो वी आर हैविंग दीज डिस्कशन पॉइंट्स. नो, इट कुड हैव जस्ट बिन जस्ट अनदर मीटिंग के हाँ यार हम लोग मिले हैं, बात बात हुई है, जो कि आई एम श्योर होता रहता होगा ऐसे. मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि जो हमने देखा है कि वनडे कप में हमारे जो सो कॉल्ड सुपर स्टार्स हैं, उनमें से बहुत सारे सुपर स्टार्स की परफॉर्मेंस पे स्टिल सवाली निशान लगे हुए हैं. कोई आपको कंसिडरेबल डिफरेंसेस नज़र नहीं आए इन अ पॉजिटिव वे, चाहे वो शाहीन की बॉलिंग हो, चाहे वो शादाब की बॉलिंग हो, मतलब जस्ट टू से अ फ्यू नेम्स. सो मुझे ये लगता है कि कनेक्शन कैम्प ना, इट्स मोर ऑफ ए रीअश्योरिटी कैम्प कि आपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके कहा यार डोंट वरी, तुम्हारी जगह जो है ना वो किसी खतरे में नहीं है, हम हैं आपके पीछे खड़े हैं. तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस. जहाँ तक बात आपकी टेस्ट सीरीज से पहले वनडे की है, तो आई थिंक इन अ लाइट वे आई वुड जस्ट से कि दिस इज़ जस्ट अनदर पीसीबी थिंग. कुछ समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है. जैसे सैलड में आप हर चीज़ डाल रहे होते हैं, पीसीबी ने भी जो है ना, हर एक जो इनको विंडो मिली उन्होंने सब कुछ ही डाल दिया. उसके चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ठीक है, आपका फोकस उसके ऊपर है, लेकिन इमीडिएट नीड आपकी टेस्ट सीरीज़ है. क्यों? क्योंकि आप एक टेस्ट सीरीज़ हार के बैठे हैं घर पर, जो कि इट शुड हैव बिन लाइक एन इट 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 शुड हैव बिन एन ईजी विन फॉर यू बेसिकली, राइट? तो उसके बाद आपने वनडे कैंप में जो है वो, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या गैप्स पूरे करना चाह रहे हैं, बट आई थिंक आई डोंट हैव अ क्लियर आंसर अनफॉर्चुनेटली योर क्वेश्चन, बिकॉज आई बिलीव कि आई एम एज बॉगल्ड बाय दिस दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स एज एवरीबडी एल्स. ऐसे क्या कहते हैं, उनकी जो नीड्स हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए, जो जिस इंटेंशन से उन्होंने चैंपियंस कप करवाया था, आई थिंक आज कनेक्शन कैंप के साथ साथ आज सेलेक्टर्स और मेंटोर्स की मीटिंग हुई थी. तो जो 5 टीमें जो चैंपियंस कप में थी, उनके मेंटोर्स एंड सेलेक्शन कमेटी, उन लोग की भी मीटिंग्स हुई थी टू डिस्कस परफॉर्मेंसेस एंड वॉट नॉट. ले दे के वही बंदा कामरान गुलाम, ठीक है, ले दे के सैम अय्यूब, बाबर आजम घुमा फिरा के, और फिर बैटिंग बॉलिंग में आपके मोहम्मद हसनैन आ गए वापस. मोहम्मद असगर का एक इंटरेस्टिंग नाम मैंने देखा था, जानदाद खान, ही इज़ बिन वेरी इम्प्रेसिव, और इरफान नियाजी, इज़ ऑल्सो बिन वेरी इम्प्रेसिव. बट इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंसेस जो हुई हैं कुछ प्लेयर्स से, ये आई थिंक इसमें ना थोड़ा सा आपको एक तो ये भी फिर दिमाग में रखना है कि सारे के सारे गेम एक ही ग्राउंड में हुए हैं, 3 से 4 पिचेस यूज़ हुई हैं, तो पिचेस का तो मतलब बेड़ा गर्क हुआ हुआ है. मतलब आपने एक ही पिच पे 3 4 गेम कराने बिन, और इन बिटवीन गेम्स को इतना वक्फा है नहीं, तो कंडीशंस वर सपोज टू बी बैटिंग फ्रेंडली, चेस किसी से हो नहीं रहा. तो जो प्रॉब्लम्स जो आपको पहले नज़र आ रहे थे, वो अभी भी नज़र आ रहे हैं. बट आई फील लाइक कि क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट हाइप क्रिएट कर दी गई है, तो उससे काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज हो गई हैं. तो आई थिंक ये चैम्पियंस कप इन माई ओपिनियन वॉज अ टोटल वेस्ट, इफ आई वॉज टू ऑनेस्टली से इट दैट वे. बट व्हाट डू यू से? नहीं, मैं उसको टोटल वेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे असल में ना फैंस हैं या बोर्ड है ना, इनकी बिल्कुल ही एक अजीब ही मंतक होती है. अब चैंपियंस कप हो रहा है,
राइट, आप टीम्स देखें, आप टीमों की परफॉर्मेंसेस देखें, इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखें, और फिर आप एनालाइज करें यार कि यही प्लेयर जो है वो जाके पाकिस्तान में खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, ये अगर ये डोमेस्टिक में आके इस तरह से खेल रहे हैं कि आपकी कोई सी भी टीम जो है वो चाहे वो 300 कर रही हो या 230 कर रही हो, उनसे नहीं चेज हो रहा, ठीक है, और आपके स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं हर टीम के अंदर, राइट, सारे नेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं टीम के अंदर मुख्तलिफ टीम्स में, और उनसे चेज़ नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स के आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जब यही लड़के जब इंटरनेशनल में जाके खेलेंगे तो वो भी सिमिलर परफॉर्मेंसेस ही देंगे आपको। हम सबको वो गेम याद है ना एशिया कप में श्रीलंका में जो इंडिया के साथ हुआ था हमारा, 350 रन हमने खाए थे, हम 128 से बुक हो गए थे। यही एग्जैक्टली चीज़ हमें फैसलाबाद में देखने को मिल रही है कि दो टीमें 350 रन कर रही हैं, अगली टीमें जो है वो मुश्किल से 100 क्रॉस कर रही हैं, कोई 150, शुरू के मैचेस में तो 100 भी क्रॉस नहीं हुआ, 97 पे बुक हो गए, कोई 150 पे बुक हो गया, ठीक है, अब जाके ये भी पिछले 2-3 दिन से जो है वो आखिर के जो 2-3 मैचेस हुए हैं ये थोड़े से कंपेटिटिव इस तरह से हुए हैं कि लोगों ने पुश किया है, कोई 13 रन से हारा है, कोई 18 रन से हारा है, तो वो ज़रा सा आखिर में जाके पुश आउट हुआ है, वरना शुरू के अगर आप गेम्स देखें तो वन साइडेड विक्ट्री है कोई भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मारखोर की टीम है रिजवान वाली, राइट, उन्होंने किसी भी मैच में शुरू के वो 3 मैचेस जीत गए, उसके बाद वो आखिर मैच में वो टॉस हारे हैं तो उन्होंने बॉलिंग उनकी आई है, वरना वो खुद से बॉलिंग ऑप्ट नहीं कर रहे, राइट। इसी तरह शाहीन की जो टीम है लायंस, राइट, हम कितना हमने सुना कि जी के शाहीन का वर्कलोड उस मैनेज नहीं हो रहा, इतने ज़्यादा ओवर उसने कराए हुए, उसके बावजूद उसने हर गेम खेला है क्योंकि वो कैप्टन बना हुआ है, सही है। अभी आपकी इंग्लैंड सीरीज आ रही है, आपने उसको पूरा चैम्पियंस कप रगड़ दिया, अभी वो कल परसों एलिमिनेटर खेलेंगे, अगर वो पहुंच गए तो वो फाइनल खेलेंगे, यू नो, तो उनको इंजरीज के भी हुआ है और हाँ वो बॉल भी बैटिंग में उन्होंने पे बॉल भी खाई है, सही है। तो यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं, आवाम जो है वो लगी हुई है कि जी के किसकी सेंचुरी ज़्यादा अच्छी है, वो जी वो आधे लोग बाबर की सेंचुरी को हाइप क्रिएट कर रहे हैं, वो जो दूसरे हैं वो कभी इरफान न्याजी को लेके बैठ जाते हैं, कभी तैयब ताहिर को लेके बैठ जाते हैं, कभी साइम अय्यूब को नौ लेके बैठ जाते हैं। आपकी जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक आपका पूरा सिस्टम ही डिसमेंटल हुआ हुआ है, यानी कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि आपकी टीम के मसले क्या हैं और हम किन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। हमें हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला मिडल ऑर्डर है, और आपको अभी भी आपको मिडल ऑर्डर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो बोलें कि हाँ यार कि ये 2-3 लड़के हैं जो कि आगे टीम को जो है ना वो स्टेबलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कामरान गुलाम टॉप प्लेयर नज़र आ रहा है, अभी टॉप बैटर नज़र आ रहा है, 2 सेंचुरीज की है इसने। तैयब ताहिर इज़ अनदर वन जिसने कंसिस्टेंट थोड़े से रन्स किए हैं, ठीक है, ये दोनों तैयब ताहिर 4 पे खेल रहा है, कामरान गुलाम 3 पे खेल रहा है, राइट। पाकिस्तान की करंट टीम देखें, 3 पे बाबर खेलता है, 4 पे रिजवान खेलता है, 5 पे साउथ शकील आ रहा है, ठीक है, ये आपका मिडिल ऑर्डर बन रहा है 3-4-5। साउथ शकील की इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं गई उसकी, मेरे ख्याल से 150 भी नहीं है 4 मैचेस के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास कामरान गुलाम भी है, आपके पास तैयब ताहिर भी है, ठीक है, और नॉट टू मेंशन के इरफान नियाजी और खुशदिल शाह दोनों ने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो आपने किस तरह से प्लग इन करना है, किस तरह, अब रन तो कर दिए कामरान गुलाम ने, आप क्या उसको टीम में लेकर आओगे? एक बंदा जो 3 नंबर पे खेल के परफॉर्म कर रहा है, और आप उसको क्या 5 नंबर पे या 6 नंबर पे ट्राई करोगे, राइट। सलमान अली आ गए अनदर वन जो के जिसने परफॉर्म किया हुआ है, एक तो हमारे टेलेंडर है ना, उनसे तो वो तो 4 पे भी खेल के परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे, ठीक है, उनसे दुनिया भर की बातें करवा लो, वो बस उन वो जो उनका काम है परफॉर्म करना वो नहीं होता उनसे, बाकी उनसे आप इधर उधर की सारी बातें करवा लें। द पॉइंट इज़ के आपके जो इशूज़ कोर इशूज़ हैं, ये तो मैं अभी सिर्फ बैटिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग पे तो हम अभी आ ही नहीं रहे, यानी कि आप टॉप 5 विकेट टेकर में देखें तो आपका लेग स्पिनर जो नज़र आ रहा है ना वो जाहिद महमूद है, जो कि आई थिंक शायद 35 से ऊपर का है, ठीक है ना,
और उसको आप कभी भी वनडे में नहीं लेकर आएंगे, राइट? क्योंकि उसाम अमीर और शादाब खान दोनों आपके पास हैं और दोनों की बॉलिंग इतनी को खास नहीं आई, इस टूर्नामेंट में नज़र नहीं आई, राइट? इसी तरह आपको जो है वो, आपको कोई बहुत आउटराइट स्पिनर कोई नज़र नहीं आया जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हो. हमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स नज़र आए कि मुबशर खान है, कासिम अकरम है, सलमान अली आ गए हैं, यू नो, इन मेहरान मुमताज़ हैं. ये बेसिकली उस तरह के आपको आउटराइट कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नज़र नहीं आया. फास्ट बॉलिंग में आप आ जाएं, वही शाहीन, वही नसीम. हसनैन ठीक है, अच्छा लगा उसको देख के कि जी के वो इंजरी से वापस आया है, थोड़ा सा अपने आप को उसने इम्प्रूव किया है, परफॉर्म भी हुआ है उससे. इवन तो इस टूर्नामेंट में फही मतलब की अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं. एग्जैक्टली, अब आप देखें ना, आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए और आपने आमिर जमाल जो हैं वो, जिनको सारे गेम खेलने चाहिए थे वो बाहर बैठे हुए, और जिनको वाकई में रेस्ट लेना चाहिए था वो क्योंकि कप्तान थे वो सारे गेम खेल रहे थे, ठीक है. इसी तरह फहीम अशरफ आई थिंक शायद डॉल्फिन की टीम में थे, उन्होंने फिर भी थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है. उसके अलावा आपके पास कोई और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि आमिर जमाल, फहीम अशरफ और आमिर यामीन, ये तीन लड़के हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडरों की कैटेगरी में आते हैं. उसके अलावा आपके पास कोई चौथा ऑप्शन ही नहीं है. तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपके इशूज़ के, आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का कोई टैलेंट पूल ही नहीं है, ठीक है. स्पेशल स्पिनर्स का आपके पास टैलेंट पूल ही नहीं है. फास्ट बॉलिंग में फिर भी थोड़े बहुत आपके पास हैं, मगर उनकी फिटनेस के इशूज़ हैं. वो दानी हैं, वो कब फिट होते हैं, वो कब इंजर्ड हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, ठीक है. वसीम जूनियर कहाँ चले गए, वो उनको कौन सी ऐसी इंजरी हुई है जब तक वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उनका कुछ पता पता नहीं है. एहसानुल्लाह किधर गए, किसी को नहीं पता, सही है, कुछ कुछ नहीं पता चल रहा है कि उनकी क्या अपडेट है. एहसानुल्लाह का लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसकी एल्बो सर्जरी होनी थी. हाँ ना, तो लेकिन वो मिस हैंडलिंग तो हुई है ना, इंग्लैंड इंग्लैंड तो भेज नहीं उसका, फिर उसका शायद फिर से उसका रिहैब जो हुआ था, सर्जरी हुई थी, फिर उनको रशियन कर दिया, उनको एनसीए में बॉलिंग करवा दी, वो फिर दोबारा उनको इंजरी दोबारा सर्जरी हुई है. हाँ, उसके बाद उनकी दोबारा सर्जरी हुई है, वो रिहैब में. अब वो क्या उनकी अपडेट है कुछ नहीं पता. तो ये वसीम जूनियर का भी कोई अपडेट नहीं है कि वो किधर हैं, क्या क्या किस तरह से उनका हिसाब किताब चल रहा है, कि वो कब तक रिटर्न होंगे, कब तक उनकी वापसी होगी, कुछ भी नहीं पता, राइट? शाहीन का सबने देख लिया है कि उसको ही सीरियसली नीड अ ब्रेक, उसका उसको ब्रेक चाहिए जो उसको मिल ही नहीं रहा, ना वो खुद ले रहा है और ना कोई उसको फोर्स कर रहा है कि भाई कि तुम ब्रेक लो, राइट? नसीम को अच्छा उन्होंने यूटिलाइज किया है, उन्होंने अच्छा एक दो गेम ही खिलाया उन्होंने, उसके बाद उसको बिठाया है, उसको थोड़ा रेस्ट दिया है, विच इज़ फाइन, ठीक है. मगर बात फिर वही आ रही है कि इस पूरे टूर्नामेंट का ना ना कोई सर था ना पैर था, बस आपने उसको एक मिनी पीएसएल के तौर पर ट्रीट किया है आपने, मगर जो आपको एक्चुअली जो उससे चीज़ें निकलवानी चाहिए थी वो आप, यू नो, यू वर नॉट एबल टू डू इट. आई मीन स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास उस्मान कादिर थे, वो शायद दो गेम खेले, तीसरे गेम में उन्होंने फिर सुफियान मुकीम को खिलाया, जिस उसकी भी आई थिंक एक दो गेम में उसने बेहतरी परफॉर्म किया था. बट चैम्पियंस कप का द होल पर्पस ऑफ चैम्पियंस कप वाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स एंड टॉप इंटरनेशनल परफॉर्मर्स. आपने काफ़ी प्लेयर्स को चांस, हसीबुल्ला भी एक्चुअली अनफिट हो गए थे तभी उनको चांस ही मिला. But with regards to, you know, bowlers like Ubaid Shah, Hunain Shah, kya kehte hain, Rohil Nazir ko aaj pehli opportunity mili. So these young players who have been top performers, unko to chance hi mila. Mubassir Khan ko bhi le de ke ek I think usne bhi shayad ek score mara tha acha khasa. But overall dekha jaye to un logo ko opportunity nahi mili. आपने डॉल्फिन्स को मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन की ज़रूरत पड़ी तो वो सरफराज अहमद को लेकर आ गए, उमर अमीन को लेकर आ गए. मतलब आई अंडरस्टैंड कि उनके जो भी क्रेडेंशियल्स हों आप उन पे रिलाई करना चाहते हो, बट अगर इफ द इंटेंशन वाज टू गिव एक्सपोजर टू द प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड दे आर यंग,
तो आपने उनको क्यों नहीं प्रायोरिटी दी? वाई आर दे वार्मिंग अप द बेंच? तो आई थिंक ये एक है जिसमें जो एक गलती हुई है. और जैसे कि क्या नाम है उसका, अली रजा ने एक गेम खेला, उस पर इतनी वाह वाह हो रही है. बट पॉइंट इज कि आई थिंक ये जो टूर्नामेंट था, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड अलॉट बेटर विद अलॉट बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट. इनके पास जितना जितना टैलेंट इनके पास अभी आया था, उसको उतना गेम टाइम या टीवी टाइम नहीं मिला प्रूव करने के लिए इनकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं. बट अगर हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे जाएं एज विद बॉलर्स, देन वर यू बीइंग ए फास्ट बॉलर एज वेल. मोहम्मद हसैन का कमबैक, काफ़ी लेंथी उनका टाइम ऑफ था. इंग्लैंड में उनका रिहैब हुआ है. PSL में भी ही वॉज ओके, ऑन एंड ऑफ थे. बट दिस टूर्नामेंट ऑन फ्लैट विकेट्स, उनकी परफॉर्मेंस, ही इज बिन अप टू द मार्क इन माई ओपिनियन. नहीं, या आई थिंक इंडिविजुअली अगर आप देखिए तो जैसे शरियार ने भी सॉर्ट ऑफ यू नो रोटेड टू दोज परफॉर्मेंस एज वेल, के कुछ हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस नज़र आई हैं. लेकिन एक अगर मैं एक छोटी सी बात और कर दूँ, वो ये कि जो शरियार ने बातें की और जो आपने बात की अभी शायान, दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नो हैव कम आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट. मतलब कोई हमें जवाब ऐसे नहीं मिले, लेकिन ये बहुत सारे सवाल और आ गए हैं. इनफैक्ट अब शरियार अभी जब बात कर रहे थे सानुल्लाह की और उनकी, तो मैं सोच रहा था कि यार ये चीज़ हम एटलीस्ट मेरे दिमाग में आई भी नहीं पिछले कुछ दिनों में, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि ये टूर्नामेंट में इतने छोटे स्पैन में इतना कुछ हो रहा है, बिकॉज यू नो वन एवरी डे देर इज़ अ गेम, इट्स ऑन द सेम ग्राउंड. लेकिन जो बातें हो रही है ना, जो बल्कि आप कॉमेंट्री में भी सुन रहे हैं, तो वो ज़्यादातर बातें यही हो रही कि ओ माई गॉड, यू नो फैसलाबाद में क्राउड कितना अच्छा आया हुआ है, लोग क्राउड मतलब यू नो गेम देखने को मिल रहा है. फैसलाबाद इज मेकिंग अ केस फॉर देमसेल्व्स टू मेक श्योर यू नो देयर आर PSL गेम्स इन दिस ग्राउंड एज़ वेल. तो मतलब फोकस यू नो इस साइड पे ज़्यादा है. मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी एक बंदे ने ये नाम लिए जो शरियार ने नाम लिए हैं, और ये कोई छोटे नाम नहीं है. मोहम्मद वसीम जूनियर वॉज सपोज टू बी योर नेक्स्ट यू नो बिग थिंग इन एज एन ऑलराउंडर. और एक और नाम जो हम शायद माइंड में नहीं आया, मतलब इंजर्ड हैं जो भी है, लेकिन हसन अली को आप देखें यार, कम्प्लीटली वैनिश फ्रॉम द सीन. मतलब जो बंदा, मुझे अभी भी याद है जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो जब हसन अली अपना बेस्ट बॉलर है जो भी अवार्ड लेने गए हुए थे, तो बुमराह जो है वो ऐसे खड़ा होकर उसको देख रहा था कि यार यू नो लुक एट दिस गाय, एंड नाउ देयर इज नॉट इवन अ कंपैरिजन बिटवीन द टू. आई मीन वेयर आर दीस गाइस, सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन. दूसरी बात ये कि कोई भी टूर्नामेंट हो या कोई भी इवेंट हो, अब जैसे हम तीन यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम कल को भी छोटा सा इवेंट करते हैं और हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमारा सबसे पहला या दूसरा पॉइंट ये होगा कि यार ये हम इवेंट कर क्यों रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, कि हमारा आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है इससे, क्या चीज़ है जो हम इससे निकालना चाह रहे हैं. दैट रिमेन्स टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चन इन माई हेड एज वेल, कि मतलब ये टूर्नामेंट जो हुआ है, ठीक है मैं अग्री करता हूँ शरियार से कि ये इट्स नॉट अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम यू नो द बिगेस्ट क्वेश्चन माई हेड इज दैट, क्योंकि वट आर दे ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस. बिकॉज वही बात अगेन, यू नो आई डोंट मीन टू रिपीट व्हाट शरियार सेड, बट दीज आर द बिग क्वेश्चंस, थिंग्स लाइक ओके अगर बाबर, रिजवान और सऊद ऑलरेडी 3-4-5 पे खेल रहे हैं, तो वेयर डू यू फिट ऑल दीज गाइस. मतलब सलमान अली आगा ने स्कोर किया, बाकी लोगों ने किया, कमरान गुलाम ने दो सेंचुरीज किए आई थिंक इस टूर्नामेंट में. तो अगर कमरान गुलाम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अगेन वेयर डू यू ब्रिंग हिम? आई मीन इज ही स्कोरिंग ऑल दीज रन्स टू वार्म द बेंच? आई मीन आई एम श्योर दैट्स नॉट ऑन कमरान गुलाम्स माइंड, यू नो आई वांट टू स्कोर रन सो आई कैन बी पार्ट ऑफ द बेंच. एंड देन अगेन उस्मान खान, ठीक है उसका मतलब स्क्वीप मतलब इतना एक्स्ट्रॉडनरी उसके रन्स वगैरह नहीं, लेकिन इम्पैक्टफुल रहा है. अगर आप उसकी एक एक इनिंग्स देखें, उसने 30 रन किए हो, 70 रन किए हो, 100 किए हो, लेकिन इम्पैक्टफुल रहा है. उसने अपनी जगह को जस्टिफाई किया टीम के अंदर. तो वही बात है कि मतलब यू नो व्हाट, व्हाई आर यू कंडक्टिंग दिस टूर्नामेंट व्हेन देयर इज लाइक नो गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस टूर्नामेंट फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव एटलीस्ट आर गोइंग टू मेक इट इन द टीम. दैट इज अ गिवन. जहाँ तक बात हसनैन की है, तो फ्रेंकली मुझे नहीं पता कि वो इसको कितना कैरी कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट इट्स गुड टू सी कि ही इज़ बैक इन द ग्रूव. और जब वो बॉलिंग भी कर रहे हैं हसनैन, तो एस सच फील नहीं हो रहा कि वो इंजरीज की वजह से थोड़ा सा रिलक्टेंट है या क्या है. मुझे लगता है कि उसका फ्लो जो है वो वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता, दैट्स अ गुड थिंग टू सी. बाकी फ्रेंकली जो हमारे जितने भी नेशनल टीम के बॉलर्स खेल रहे हैं अभी, अदर देन नसीम, दे हैव ऑल बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इन माई ओपिनियन. शाहीन अफरीदी ने अगर थोड़े से कम रन, मतलब अभी भी कोई बहुत कम रन नहीं दिए शाहीन अफरीदी ने रिसेंट गेम्स में,
लेकिन अगर थोड़े से कम अभी दिए भी हैं तो इट टुक हिम अ फ्यू गेम्स टू बेसिकली यू नो कम टू दिस पॉइंट. जिस गेम में एंड में सलमान अली आगा और उनके साथ कौन रन कर रहे थे अभी, जिसमें सलमान अली आगा जो है वो लाइक 60 या 50 के आसपास आउट हो गए थे, शाहीन अफरीदी ने बाउंसर पे आउट किया था, उसमें शाहीन अफरीदी को कितना मारा था उस टीम ने. वो तो एंड में आके 2 या 3 विकेट्स ले गए शाहीन, वरना पूरे मैच में और कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि यार यू नो मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये अपने आप को इन छोटे छोटे स्पेल्स में क्यों इंसर्ट कर रहा है. सो वही बात है कि इम्प्रूवमेंट कुछ नज़र नहीं आई. बाबर आजम के बारे में आप बात कर लें, आप किसी के बारे में बात कर लें, आई थिंक दे आर जस्ट प्लेइंग द सेम एग्जैक्ट वे एज दे हैव बीन. और जहाँ तक ब्रिलियंट परफॉर्मर्स की अगर एक और बात मैं कर लूँ तो वो ये है कि साइम अयूब ने 156 रन किए अभी. अब आप देखिएगा लोग सब भूले हुए हैं बिकॉज साइम अयूब के 156 रन अभी. आई थिंक मैं आज ही फेसबुक पे या कल फेसबुक पे जो है वो एक मैं वीडियो तो नहीं मैंने देखी, लेकिन उसका थंबनेल ये था कि साइम अयूब 156 करके अपने बैट उन्होंने ऐसे किया हुआ, और उसका टाइटल कुछ ऐसा था साइम अयूब वर्सेज बाबर आजम. द रीज़न आई डिड नॉट वॉच दैट वीडियो इज आई वाज लाइक कि चलो जी साइम ने 100 कर लिया, अब हर बंदा बैठ के कंपेयर कर रहा होगा कि यार बाबर ऐसा क्यों नहीं खेल रहा. तो अगेन सेम प्रॉब्लम्स सेम टॉपिक्स, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड एज अ यू नो फ्रॉम बैटिंग और बॉलिंग पर्सपेक्टिव देयर इज नथिंग फ्रॉम दिस टूर्नामेंट दैट पीसीबी कैन टेक एंड अप्लाई इनटू द टीम. वो हमारे शोएब जट साहब कह रहे थे कि बाबर आजम की जो सेंचुरी थी बहुत सेल्फिश सेंचुरी थी. मतलब यार एक बंदा दुनिया घूम गई लेकिन एक बंदा ना एक बंदे के पीछे अभी तक पड़ा हुआ है. यार उसको तो डिस्कस करना भी बेकार है, वो तो बेचारा उसका तो जो है ना मसला दूसरा है. बट पॉइंट ये है कि अगर हम इसी को थोड़ा सा डीप डाइव करें ना कि अभी आपकी जो वर्ल्ड कप में टीम खेली है ओडीआई वर्ल्ड कप में, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर फॉर्मेट है तो हम 50 ओवर फॉर्मेट को ही उठाते हैं. आपकी टीम खेली है फ़खर जमान इमाम उलक ओपनर, ठीक है, या अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, ये आपके 3 ओपनर हो गए. बाबर नंबर 3 पे, रिजवान नंबर 4 पे, साउ शकील नंबर 5 पे, फिर आपके जो है वो टेल एंडर आते हैं इफ्तिखार अहमद या सलमान अली आगा, ठीक है. उसके बाद आपके पास 4 बॉलर हैं, 1 स्पिनर है, राइट. तो ये आपका कॉम्बिनेशन है. इस चैम्पियंस कप में हमें बोला गया कि जी हमें इससे अंदाज़ा होगा, हमें इससे हमें सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि बेसिकली जिसकी बेस पे हमें चैम्पियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन करनी है. इमाम ने भी परफॉर्म किया, इमाम की आई थिंक शायद 350 हैं, राइट. अब्दुल्ला शफीक इज़ द ओनली गाय इन दैट ओपनिंग स्लॉट जिसने कोई बहुत आला परफॉर्म नहीं किया है. आई थिंक उसकी अब 5 मैच में उसकी 50 है, बाकी बहुत स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया है. अब आपका ये कॉम्बिनेशन है, राइट. उसमें फ़खर की भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, अब्दुल्ला शफी की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इमाम की एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है. मगर आगे जब आप टीम सेलेक्ट करने जाएंगे तो आप इमाम को भी कैरी करेंगे, आप फ़खर को भी कैरी करेंगे, ठीक है. और आप मोस्ट लाइकली आज जो कनेक्शन कैम्प में जो एक चीज़ जो सामने आई है वो ये कि कंसिस्टेंसी रहेगी लड़कों की, लड़कों को प्रॉपर चांस मिलेगा और कंसिस्टेंसी रहेगी, चॉप एंड चेंज नहीं किया जाएगा जो कि मेन थीम थी. अगर हम उसको अप्लाई करें तो आपके ओपनर सेटल्ड हैं. बट ये तो आई थिंक ये कोचिंग दिस इज प्योरली अ जेसन गिलेस्पी एंड गैरी क्रिस्टन नैरेटिव. आई डोंट थिंक दिस इज अ बोर्ड नैरेटिव. अगर क्योंकि कोचिंग स्टाफ चेंज डिफरेंट होता, I don't think this would have been the narrative for PCB. I think that उसी की वजह से उन्होंने captaincy भी चेंज नहीं की है, बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन के भाई कि आप बहुत जल्दी जो है ना वो चीज़ों को चॉप एंड चेंज करते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को जो है ना वो एड्रेस कर देते हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. और मेरे ख्याल से इसीलिए इन लड़कों को भी बुलाया गया था ताकि वो भी जो है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे भाई कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. ये जितने भी सारे मसले मसाइल आए हैं वो इनकंसिस्टेंसी की वजह से ही आए. बट मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के कि भाई कि कंसिस्टेंसी लेके चलेंगे बात कर रहा हूँ कि आपकी टीम जो वनडे की टीम है जो वर्ल्ड कप में खेली है, आप देखा जाए तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रूम है नहीं इम्प्रूवमेंट की. कोई आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट की जगह नज़र आ रही है लोअर मिडल ऑर्डर में जो कि टेल एंडर पोजीशन है. सही है, आपको
दो तीन टेल एंडर चाहिए जो कि 6 7 8 में खेल सकें और जो कि प्रॉपर हिटिंग कर सकें, बेसिकली वो नंबर चाहिए आपको, या आपको स्पिनर्स चाहिए, ठीक है, आपको आपको प्रॉपर स्पिनर्स चाहिए जो विकेट ले सकें इन द मिडल ओवर्स, राइट। बॉलिंग में शाहीन आपका, शाहीन इज़ देयर, नसीम इज़ देयर, ठीक है, हसनैन ने जिस तरह से बॉलिंग की है आई एम प्रिटी श्योर उसको वो कंसिडर कर लेंगे, इवन दो आई वॉन्ट हिम टू जस्ट फोकस ऑन डोमेस्टिक, उसको इंटरनेशनल से अभी दूर रखा जाए, उसकी वो प्रॉपर रिहैब हो के उसको उसका प्रॉपर एक रिदम वापस आने दिया जाए, उसके बाद उसको कंसिडर किया जाए। अभी भी वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, हारिस रऊफ इज़ ऑलरेडी देयर। तो आपकी टीम ऐसा नहीं है कि बहुत कोई वो तितर बितर हुई हुई है, ठीक है कि उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन थी या अभी भी हैं या वो फॉर्म में नहीं है, बट वो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल टीम हुई हुई है कि आप जी इधर इस इधर से लड़के ले आओ, उधर इसको खिला दो, उसको बिठा दो। तो मैं ये मेरा ये सम पॉइंट जो है ना वो ये कि आपने अब लड़के देख तो लिए आपने कि भाई इसने भी परफॉर्म कर दिया, इसने भी परफॉर्म कर दिया, इसने भी परफॉर्म कर दिया, आप प्लेइंग 11 में या स्क्वाड ऑफ 15 16 में आप कैसे लड़कों को फिट इन करोगे, और अब फिट इन करने के बाद आप उनको चांस कैसे दोगे, ये सबसे बड़ा इशू है। और इसी वजह से ये जो हमारे यहाँ बात होती है ना, डिबेट होती है कि जी टैलेंट नहीं है, भाई हमारे यहाँ टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट की यूटिलाइजेशन नहीं है। जब तक आप टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करेंगे आप, हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा मसला है कि जी ये टैलेंट क्या नहीं है कि जी के वो, अब जैसे बेंच स्ट्रेंथ की बात होती है कि जी बेंच स्ट्रेंथ कोई नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, भाई बेंच स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, आप जब लड़कों को खिलाएंगे नहीं, आप जब लड़कों को प्रॉपर चांस नहीं देंगे। हैदर अली इज़ अनदर वन जिसने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, खुशदिल शाह इज़ अनदर वन जो इसने अच्छा परफॉर्म किया, राइट। अब ये दो वो लड़के हैं जो दोस्ती यारी में आते हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ था टीम का, कोट अनकोट, राइट। अब ये वही लड़के जो इस चैम्पियंस कप से परफॉर्म कर कर आ रहे हैं, तो क्या आप इनको कंसिडर करने लग जाएंगे, राइट। तो ये वाले इश्यूज हैं जिसमें जो कि देखना पड़ेगा कि भाई कि आपने कैसे फिट इन करना है। बट इन लोगों ने उस नंबर परफॉर्म किया जिस नंबर पर पाकिस्तान को मुश्किल होती है। खुशदिल शाह नंबर 5 नंबर 6 पे आया है, हैदर अली भी नंबर 5 पे खेला है, सलमान अली आगा भी नंबर 6 पे खेला है। तो फिर तो वही वाली बात है ना, फिर आप साउथ शकील को बाहर बैठाओगे, साउथ राइट। अगर शकील आप तो अगर आप को अगर आप देखें तो रिजवान के बाद आपको अगर हैदर अली, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा ये तीन आप खिलाते हैं, तो फिर आप इफ्तखार को बाहर बिठाते हैं और फिर आप साउथ शकील को बाहर बिठाते हैं, क्योंकि शादाब तो फिर भी अपनी स्किन स्पिन की बेस पे वो टीम में आ जाएगा, राइट। तो आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके पास और ऑप्शन कोई और है नहीं, उसामा मीर जो है वो कोई बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, राइट। तो जब आपके पास इतना फुकदान है ऑप्शंस का, तो आप यू माइट एज वेल गो विद समबडी हु कैन एटलीस्ट डू समथिंग इन इन वन डिपार्टमेंट, वो बॉलिंग कुछ करे या ना करे वो शायद थोड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेगा, बैटिंग में आपको आसरा होगा कि यार ये 15 20 25 रन मार देगा, बट द पॉइंट इज कि आपके पास उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। आप शादाब को फिर भी फिट इन कर सकते हो, ठीक है, अब बॉलिंग में आप आएंगे, आपके पास शाहीन है, नसीम है, हारिस है, सही है, उसके इन तीनों के बाद आगे पास कोई चौथा नाम ही नहीं है। अब मीर हमजा ने इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है, पर्टिकुलरली विद द न्यू बॉल, उसने अच्छा बॉल, उसके पास कंट्रोल अच्छा है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी इस पे भी बात हुई है कि जी के वो शाहीन का अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है, होम कंडीशंस पे आपका हो रहा है मैचेस और अंडर लाइट्स ट्रेडिशनली बॉल स्विंग होता है, बॉल को बॉलर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है अर्ली ऑन, तो आप कंसिडर कर सकते हैं उसको, उसको स्क्वाड में रख सकते हैं आप फॉर द ODI फॉर्मेट, मगर फिर आपके पास और बैकअप है नहीं जो उस तरह का बॉलर हो जो मिडल ओवर्स में आके पुराने बॉल से तेज़ बॉलिंग कर सके या जो रिवर्स स्विंग का एलिमेंट यूज़ कर सके, उस तरह का बॉलर आपको इस पूरे चैम्पियंस कप में कोई भी नज़र नहीं आया, राइट। आप देखें तो
हसनैन के अलावा जैसे मिडिल ओवर्स में आके या डेथ ओवर्स में आके विकेट विकेट्स लिए हैं, आपको दूसरा बॉलर कोई नज़र नहीं आएगा उस तरह से जिसने लिए हैं। तो ये इश्यूज हैं, आप इसको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये कोई एक टूर्नामेंट कराने से नहीं होंगे, इट्स अ प्रोसेस, आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा, आपको लड़के आइडेंटिफाई करके उनके स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा, उनके प्रॉपर आपको उनकी उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपको जाके वो पका पकाया फल मिलेगा। जो अभी हम अभी भी एक बड़ी फेमस ही बात है ना कि हम कच्चे तोड़ें, ठीक है, हम कच्चे तोड़ के रियलाइज़ करें कि यार हमने कच्चा तोड़ लिया। अब वो कच्चा तोड़ने का जो पकने का प्रोसेस है ना, वो फॉलो नहीं हो रहा, वो कच्चा तोड़ें और फिर उसको फेंक रहे हैं, वो पक नहीं रहे वो। आई थिंक पकाने का तरीका तो वही है ना, जैसे यू नो हाउ दे ट्रीटेड हैदर अली 2022 के वर्ल्ड के बाद, जिसको ड्रॉप किया है उन्होंने, देव जस्ट लेट हिम यू नो गो बैक। उन्होंने अपने पर्सन इन्होंने अपने कोच के साथ जो भी काम किया है, खुशदिल शाह हैं, सिंस लास्ट BSL वी हैव सीन हिम यू नो परफॉर्म, हैदर अली एंड खुशदिल शाह। तो तैमूर, वुड यू अग्री के पकने पकाने का जो एक प्रोसेस है, इट्स बेसिकली टू जस्ट सेंड देम बैक एंड लेट देम फिगर आउट, या हैव समवन वर्क विद देम टू फिगर आउट कि क्या आपके पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आपके वर्किंग एरियाज हैं। क्योंकि यू नो फॉर सऊद शकील स्पेसिफिकली, या इफ्तखार अहमद, या जो जितने भी लड़के हैं जो वन डे खेल चुके हैं, वी हैव सीन देम स्ट्रगल फॉर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, वुड यू थिंक दैट इज़ फेयर कि आप उनसे, आई एम नॉट गोइंग टू से मूव ऑन फ्रॉम देम, बट ट्राई टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज आई कैन पे ऑफ फॉर पाकिस्तान। एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन खुशदिल शाह इज़ वन ऑफ देम, वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। आई मीन हैदर अली का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि वो खामा खाई के वो हवाई हवाई शॉट्स ही मार रहा था वो, यही। अब वो वही कह लेंगे भाई डोमेस्टिक का लेवल थोड़ा डाउन है जो भी है, बट इट लुक लाइक कि ही हैड कंट्रोल ऑफ इज शॉर्ट एग्जीक्यूशन, के भाई मैंने इस बॉल पे अगर मैं उठा भी सकता हूँ तो मैं उठाऊँ नहीं खामा खाई का। तो डू यू थिंक दैट्स अ फेयर वे टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दीज गाइज हु हैवंट रियली यू नो गिवन द फ्रूट्स टू पाकिस्तान? I think that's the best case scenario, and it's not necessarily that you are moving forward from them or moving on from them. You are essentially giving them a chance to go back and, basically work on their weak points and then come back into the team. और आप उनको वापस भेज रहे हैं, इसीलिए भेज रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट देम बैक इनटू द टीम. जैसे आपने जो नाम लिए हैदर अली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि हाँ, उस बंदे ने काम किए, और उस बंदे ने अगर काम किया तो दैट मीन्स कि ही स्टिल हैज दैट हंगर इनसाइड हिम दैट आई वांट टू कम बैक एंड प्ले फॉर पाकिस्तान. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो. और दूसरी बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती, लड़के आपके जो हैं वो कितने पैशनेट हैं अपनी गेम को लेकर, के दे आर विलिंग टू गो बैक एंड एडमिट के हाँ, हम यहाँ पे वीक हैं, हमने इस पर काम करना है. आई थिंक दैट्स वेयर द थिंग्स थिंग्स आर. और ख़ासकर अगेन हैदर अली का और हसनैन का भी यही फ़ायदा था कि दीज गाइज आर स्टिल वेरी यंग. तो ये अगर 1-2 साल बाहर अभी भी बैठते हैं ना, जो जैसे आप कच्चे फ्रूट की बात करें, तो ये दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि 1-2 साल बाहर बैठने के बाद भी 7-8 साल कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं. सो आई थिंक इफ 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 दे आर बींग इनसिक्योर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अबाउट देयर पोजिशन, देन दे शुडन बी. इन फैक्ट दे शुड थिंक अबाउट द फैक्ट कि हाँ यार, मेरे पास बहुत टाइम है, आई कैन अफोर्ड टू टेक अ ब्रेक नाउ वर्सेस बींग फोर्स टू ईदर टेक एन अर्ली रिटायरमेंट, या लोग उनको कहने लग जाएगा यार अब आपकी एज हो गई है, ये है वो है. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर दीज गाइज टू मेक मेक दैट कॉल, एंड सेम शुड बी अप्लाई टू द अदर पीपल इन 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 द इन द होल सर्किट, डिपेंडिंग कि वो अपने करियर के किस स्टेज पे हैं. अब मतलब हमारे जो फेमस टेलेंडर हैं माशाल्लाह, सोशल मीडिया के किंग हैं आजकल वो, अगर वो उनके ऊपर बात आए ना, तो हाँ उनको अगर कोई ये कहना कि यार योर टाइम इज़ अप, तो हाँ बंदा कह यार या लेट्स लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हिम. बट द अदर गाइज यस, दे शुड डेफिनेटली टेक दैट अप्रोच. एक मैं चीज़ और कहूँगा कि जो सऊद शकील की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, देखें सऊद शकील इज़ अ क्लास प्लेयर, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट. सऊद शकील ने जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज दी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल में भी परफॉर्मेंसेज दी हैं, अपने जब जब उनको चांस मिले, तो ही हैज़ द नंबर्स टू बैक हिज पोजिशन अप. तो उस पे अगर जब भी डिबेट होगी ना उस लेवल पे,
पाकिस्तान की मीडिया के लेवल पे या पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट के रैंक्स हैं वहाँ अगर कभी बात हुई सर शकील को रिप्लेस करने की, तो मेरे ख्याल से दंगे फसाद हो जाएंगे, क्योंकि देर वॉज अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट बिहाइंड सर शकील टू मेक श्योर के ही कम्स इन टू द टीम. अब वो वाइस कैप्टन भी हैं आपके एक फॉर्मेट के, और यू नो ही कम्स एट अ वेरी क्रूशल पोजिशन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उसके बाद आपका तेल शुरू हो जाता है. दूसरी बात यह है कि आई थिंक हमें एक चीज़ एक ग्राउंड रियलिटी को एडमिट नॉट ली एडमिट बट आई थिंक इस पर बात करनी चाहिए कि नोबडी वॉन्ट्स सऊद शकील टू बिकम फवाद आलम पार्ट टू. ठीक है, हमें ये चीज़ अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, एक कराची का जो सेंटिमेंट है हमारे प्लेयर्स के ऊपर उस फैक्टर को भी सप्रेस करना है. बिकॉज जब सरफराज भी बाहर हुए उससे पहले फवाद आलम, तो खैर हमें सबको पता है कि बेचारे के साथ ज्यादती हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट एक जो फिर डिबेट होने लगती है ना कि यार कराची का लड़का तो ये है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये चीज़ भी लोग अवॉइड करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कराची और यू नो आउटसाइड ऑफ कराची, बट द पॉइंट इज कि एक फवाद आलम की एग्जाम्पल बहुत फ्रेश हमारे सामने है. सो आई एम श्योर कि नोबडी वॉन्ट्स टू सी फवाद आलम पार्ट टू वेन इट कम्स टू सऊद शकील. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन इन माई ओपिनियन कि उसको रिप्लेस करना या उसको रिप्लेस करने की थाट जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करेगी. और अगर पीसीबी जो है वो थोड़ी सी भी अक्लमंद है, जो कि वो नहीं है, लेकिन आई होप कि इतनी सी अक्लमंद हो कि वो ये ब्लंडर ना मारे. यानी कि आप पीसीबी के विजन को आप हल्का ले रहे हैं। नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ वो जैसे अपने है विजन वैसा ले रहा की, हूं मैं. नहीं वो अपने बस विजन की एग्जीक्यूशन ना करें, बाकी सब सही रहेगा। बाकी है बट आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, इस पे जो है ना एक आइडिया जो है ना वो ये, क्योंकि हमारे यहाँ आइडियाज़ तो कॉपी बहुत किया जाता है ना, कि अभी भी ये जो कनेक्शन कैंप है ना, ये बेसिकली इट वाज अ कॉपीड आइडिया फ्रॉम बैक इन 2015, जब इंग्लैंड ने इंग्लैंड की जब अर्ली एग्जिट हुई थी वर्ल्ड कप से, तो अपेरेंटली ईसीबी हैड ए सिमिलर थिंग जहाँ पे दे ऑल केम टुगेदर एंड सेट के भाई के यू नो हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. तो उन्होंने इसी तरह का कुछ किया था एंड यू नो दे वो ब्रेन स्ट्रॉम किया था उन्होंने सारी चीज़ें, एंड दैट्स हाउ यू नो दे वर एबल टू टर्न थिंग्स अराउंड. तो ये जो कनेक्शन कैम्प का जो एक इंस्पिरेशन थी वो थी. तो हमारे यहाँ इंस्पायर्ड हैं काफ़ी बाहर से चीज़ें लाने के लिए. तो आई थिंक ये जो अभी आपने सबने देखा होगा, वो जो दिलीप ट्रॉफी जो इंडिया में चल रही है, जिसमें इंडिया ए बी सी डी टीम्स खेल रही हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पास सबसे बेस्ट मौका यही है कि हम जो है ना वो इस टर्न आपने एक टूर्नामेंट कराया, ठीक है, एक आपकी नेशनल टीम है, सही है, एक आपकी टीम वो बननी चाहिए जो इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम थी स्लॉट वाइज, कि भाई ये हमारे बेस्ट ओपनर थे चैंपियंस ट्रॉफी में, सॉरी चैंपियंस कप में, ये नंबर 3 नंबर 4, ये हमारे बॉलर्स, ये हमारे स्पिनर्स, ये जो कि नेशनल टीम का पार्ट नहीं है आउटसाइड ऑफ दैट. आप वो दो टीम्स बनाएं, उनके आप मैचेस दोबारा कराएं, बेस्ट ऑफ 3 या जो भी, और उसमें जो परफॉर्म करता है ना, दैट दैट विल बी योर फाइनल 11. अब अगर उसके अंदर हार्श है या जो भी है, बट अगर आप में उसके अंदर कुछ लड़के अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो देन सो बी इट, नहीं कर पाते, बट दैट विल बी योर बेस्ट केस सिनेरियो. वरना जैसे वही वाली बात है कि अब साउथ शकील की आप इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को किसी भी प्लेयर की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल. सही है, आप ऑन द फेस ऑफ इट तो आप बोल सकते हैं कि यार कि हाँ इससे रन नहीं हो रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला शफीक है, उससे रन नहीं हो रहे, राइट. अब ये आप नहीं कह सकते यार कि क्योंकि उसने इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं किया हुआ तो आप किसी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आप उससे कंपेयर करना शुरू कर दें, इट्स डिफरेंट थिंग. हाँ, मगर ये ज़रूर है कि ही शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस, ये नज़र आ रहा है कि वो उसे वो उस तरह से अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहा जैसे वो उसको करना चाहिए या जैसे उसने शुरू में किया है. तो ये चीज़ है, अभी भी आगे बार टाइम है, अभी आपकी नेशनल कमिटमेंट्स हैं, आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, आपके आधे से ज़्यादा वाइट बॉल के प्लेयर्स जो हैं वो या तो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे या वो इधर उधर लीग के चक्रों में लगे हुए होंगे. तो आप उसको कट डाउन करें और मेक श्योर करें कि भाई कि आपका जो
जो जो बेसिकली आपका बेंच स्ट्रेंथ है वो इंटैक्ट रहे, रेडी रहे फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी की, अगर आपने जो भी स्क्वाड अनाउंस करना है आपने उस पूल ऑफ प्लेयर से करना है जो कि अवेलेबल है आपके पास. नो एब्सोल्युटली, आई मीन आपको जो प्लेयर्स आपने हाईलाइट किए हैं आपको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा. बट एक चीज़ मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी परफॉर्मेंस की वो नहीं हो सकी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू साहबजादा फरहान, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी. मोहम्मद हुरैरा, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी इतनी कोई खास. And I was really hoping कि फ़खर ज़मान की भी थोड़ी परफॉर्मेंस होए क्योंकि उनकी एक बड़ी इनिंग्स नहीं आई काफ़ी टाइम से. बट then were any player that you were looking forward to जो आपको नहीं मिला सेटिस्फैक्शन या इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई है या इसकी अंडर यूटिलाइजेशन हुई है, anything on that end? I think अब्दुल्ला शकील एक नाम मैं कहूँगा. और क्योंकि रिसेंट पास्ट में अब्दुल्ला शकील ने अपना जो उनका फ्लेयर है एक जो हमने PSL में बहुत दफ़ा देखा, उसके बाद उनकी जो अर्ली इंटरनेशनल आउटिंग्स थी उसमें भी हमने देखा उनका एक नेशनल फ्लेयर, वो कुछ रिसेंट टाइम में मिसिंग था. तो आई वॉज होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि नो विल दिस विल दिस माइट बी अ चांस जिसमें अब्दुल्ला शकील जो है वो वापस अपने ग्रुप में आए. तो एक ना वो माइंड में आता, दूसरा ये कि मुझे बोथ हारिस रूफ एंड शाइन अफरीदी का था कि यू नो कि माइट बी एबल टू सी समथिंग फ्रॉम देम. लाइक आज के एपिसोड में शुरू में भी बात हो रही थी कि शाइन अफरीदी डेस्परेटली नीड्स अ ब्रेक. ही इज नो डाउट ए जनरेशनल टैलेंट दैट पाकिस्तान हैज. और एक टाइम वो था कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो अपने पाँव बचाते फिरते थे उनसे, अब जो है वो आपके डोमेस्टिक के लड़के भी उनको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं. तो वही बात है, आपकी 23-24 साल उम्र है, दिस इज़ द टाइम यू कैन टेक द ब्रेक बिफोर इट्स टू लेट. आप थोड़ा टाइम बाहर बैठें बिकॉज यू आर ए जनरेशन टैलेंट. अपनी ईगो को निकालते दिमाग से कि नहीं आई हैव टू प्ले ऑल द गेम्स दैट आर अवेलेबल टू मी. नो, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर प्लेइंग योर बेस्ट नो मैटर हाउ मच और हाउ लेस यू आर प्लेइंग. तो आई थिंक ये दो नाम मेरे माइंड में इंस्टेंटली आते हैं. साइम अयूब का मैं कहूँगा कि उनकी जो मैंने एक दो इनिंग्स देखी थी जिसमें उन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया था, तो उसमें मुझे लग रहा था कि यार यू नो दिस गाय इज़ मे बी रनिंग शॉर्ट इन कॉन्फिडेंस एज वेल. लेकिन जिन्होंने अभी 150 किया उसके बाद आई एम होपिंग के ही कैन बिल्ड अपॉन दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि अच्छी इनिंग्स थी, लंबी इनिंग्स थी. आई थिंक वो 120-130 बॉलें खेली थी उन्होंने उसमें. तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने कोई 200 के स्ट्राइक रेट पर 150 रन मार दिया. तो ये एक है. लेकिन उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था, ये दो नाम मेरे हैं अब्दुल्ला शकील और शाइन अफरीदी जिसका मुझे था कि आई गेट टू सी अ लॉट मोर फ्रॉम देम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट बीन द केस. ऐसे एक सवाल मैं ये भी बनता था कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं नहीं, एवरीथिंग लोकल. तो इस टूर्नामेंट को मतलब हर व्हाई डिड एवरी गेम हैव टू बी इन फैसलाबाद? आई अंडरस्टैंड कि दूसरे गेम्स दूसरे स्टेडियम्स में काम हो रहा है, बट व्हाई नॉट, मतलब अगर आपने ये प्लान किया है दो ढाई महीने पहले, व्हाई वर यू नॉट एबल टू spin up other stadiums? क्योंकि फैसलाबाद में कोई खास renovations थोड़ी हुई हैं. Like why were other stadiums not considered, and why was all what, मतलब कितने games आए, 20 games हो गए, कितने 16 I think 4-4 games तो खेल नहीं सकते सिवाय Dolphins के. I think तो 18-19 हो गए ना फिर, तो मतलब 16-17 गेम्स कम से कम हुई है. आई एम डबल चेकिंग राइट नाउ. लेकिन शायन ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न जो दी गई थी वो थी लॉजिस्टिक्स, कि टाइम कम है, गेम्स बहुत ज़्यादा करवाने हैं, तो दे वांटेड टू मेक श्योर कि दे रिमेन विद इन द सेम सिटी ताकि ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट ना हो. और फैसलाबाद बिकॉज लास्ट टाइम फैसलाबाद में 2008 में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल गेम हुआ था 7 या 8 में, तो दे वर ऑल्सो सेइंग कि इट्स बीन लॉन्ग ड्यू कि फैसलाबाद में कोई इस लेवल के इस कैलिबर के मैचेस हो. So those are the two reasons why all the games are happening in Faisalabad. Yeah, but yeah, Pakistan mein itna kaun sa tha distance hota hai. It's not like it's not a good reason, but that's the reason. Matlab it's not like in New York se LA ja rahe hain game khelne. It's like matlab aap Faisalabad se Multan ja rahe hain, what 3 ghante ki drive hai, 2.5 ghante ki, in fact 2.5 ghante ki drive hai, motorway bana hua hai aap, matlab
My point is that the resources were there for you to establish those patterns. In fact, 2 days before, I think Friday ko jo game hua tha, Friday Thursday ko, to ek khatoon commentator thi, jo unhone jinhone subah mein Multan mein commentary ki thi because South Africa aur Pakistan women ka match ho raha tha. And then she drove to Faisalabad to commentate on, you know, for the game that was happening there. So, Bazid Khan ne bataya tha ki basically ye pehli dafa hua hai Pakistan mein ki ek commentator ne 2 games ek din mein ki hai. So, to your point, like I was saying ki it's not a good reason, but that's the reason they gave. But it's possible. ढाई घंटे को बहुत ज़्यादा travel नहीं है आप कर सकते हैं. सारे लड़के local हैं. सारे लड़के local हैं. It's not like आप देखें ये जो आपने बात की है ना इससे आगे पता चलता है कि आपका board कितना unprofessional board है कि आपने logistic reasons की वजह से आपने cricketers की fitness को दाव पे लगा दिया है. ठीक है. अब आप England की series आने वाली है. अब Shaheen for example आपका main pacer है. राइट और आपने उसको एक टीम का कैप्टन बनाया है और उस टीम ने 4 मैचेस खेले हैं उसने 4 मैचेस में 10-10 ओवर कराएं और अभी वो प्लेऑफ खेलेगा अगर उसकी प्लेऑफ में अच्छी परफॉर्मेंस आई तो वो 2 मजीद और गेम खेलेगा राइट उसके बाद आप जो है वो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करेंगे फिर वहाँ उसका कैंप लग जाएगा वो वहाँ पे भी जो है ना प्रैक्टिस में बॉलिंग करा रहे होंगे तो बाय दैट टाइम जब आप पहले टेस्ट में पहुँचेंगे तो आपका मेन पेसर ऑलरेडी 3/4 कुक्ड होगा वो सही है ना तो ये आपकी वही वाली बात है कि ये विजन है हमारे बोर्ड का कि हमने आगे इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज खेलनी है हमने आगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है और हमने जो प्लेयर जिनकी फिटनेस ऑलरेडी इन क्वेश्चन है हमने उनको और मज़ीद जो है ना सड़ी गर्मी के अंदर उनको मैचेस खिला दिए हैं और ये एग्जैक्टली वही वाली चीज़ हुई है जो पिछले साल हमने देखने को मिली कि जी वो काकुल गए लड़कों ने दबा के फिटनेस पे काम किया तो उसके बाद लोगों की फिटनेस ही जो है ना वो बढ़ गई वो यार बैठे आप लोग बैठे बैठे इंजर्ड हो रहे हैं ठीक है जो नहीं भी खेल रहे होते ना वो आप खुर्रम शहजाद आप कहीं नज़र नहीं आए क्योंकि वो ने टेस्ट मैच खेला वो दोबारा मेरे ख्याल से अभी इतनी मुझे नहीं पता कि वो खुर्रम शहजाद तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ था हाँ सेलेक्ट ही नहीं हुआ यानी कि वो फिट है नहीं है क्या है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं मगर वो वनडे नहीं खेल सकते ठीक है इसी तरह आप बाकी 2-3 लड़के वो कब से इंजर्ड हैं उनकी कोई कोई अता पता नहीं है उनका कि क्या अरे वो इंजरी से याद आया वो हसन अली का जो सीन हुआ है हसन अली का सीन ये हुआ है कि उनको वो भी इंजर्ड है वैसे वो इंजर्ड है उनको बैक हिप इंजरी हुई है बैक इंजरी हुई है वो भाई साहब गए वारविक्सर से खेलने NOC मिला उनको वारविक्सर भेजा गया वारविक्सर में इनको इंजरी हो गई काउंटी 2 या 3 काउंटी गेम खेले 5 डे वाले उसके बाद इंजरी हो गई पारेश्वर ने बोला कि भाई अब आप ज़रा इफ यू हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि आपकी इंजरी हो गई है तो पीसीबी वालों ने बोला भाई क्योंकि आपने इनको यूटिलाइज किया था और क्योंकि ये आपके अंडर इंजर्ड हुए हैं तो आप इनकी रिहैब पे करें तो वो इंग्लैंड में अभी मस्त रिहैब कर रहे हैं मतलब फुल जैसे कहते हैं ना मतलब ECB के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके उनकी रिहैब चल रही है मतलब पॉइंट इज कि एक और इंजरी निकलेगी वहां पर मतलब पॉइंट इज कि PCB डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन हिज रिहैब या वो जो भी इश्यूज हैं मतलब PCB का हाल ये देखें कि यार ये काउंटी को फोर्स कर रहे हैं यार आप मतलब आप अपने पेटी इश्यूज की वजह से आपने एक प्लेयर को जो है ना वो बैडमिंटन की शटल बनाया हुआ है कि इधर उधर इधर उधर भाई अगर आपका प्लेयर जिसके बारे में आप सीरियसली इंजर्ड हुआ है तो भाई फॉरगेट अबाउट हूज पेइंग फॉर इट द फोकस शुड बी यार समबडी जस्ट गेट हिम टू द राइट प्लेस जहाँ पे उसका रिहैब स्टार्ट हो और मैं बस एक चीज़ आई स्टैंड करेक्टेड 10 मैच हुए हैं टोटल बट ये है कि 5 टीम ने 4-4 मैच खेले ऑफकोर्स दे प्लेड टुगेदर सो टोटल 10 मैच हुए 11वां मैच कह लो 10 मैच का मतलब है कितने 1000 ओवर कितने ओवर्स हुए
सौ सौ मतलब सौ हर ओवर मैच में बगेम पूरे होता है, 100 तो नहीं, लेकिन आप कह लो कि कम से कम 900 ओवर तो हो गए हैं। 900 ओवर हो गए और आपने चार पिचेस यूज की हैं, अंदाजा लगा लें आप पिचेस का क्या हाल होगा। नहीं अच्छा, ये पिचेस की बात आप कर ही रहे हैं तो आप जरा ये देखें हमारे, हम जो एक और बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क बना है इस टूर्नामेंट में देख के, कि यार हमें कोई, हमारे माशाल्लाह से पांच टीमें थी, पांच टीम के हैवी वेट मेंटोर्स अनाउंस हुए। अब एक तो पता नहीं वो है भी नहीं टीम के साथ, वो तो इधर यूएसए में घूम रहे हैं, नहीं वो वो आज आज पहुंच गए वापस, अच्छा वो वो गाड़ियां वापस पड़ी पहुंचे, गए वो वो, पहली हाँ टिकट लेके वापस आए अच्छा हो। वो वापस आ गए माशाल्लाह, वो प्ले ऑफ भी आ गए ना। तो खैर, तो वो आप ये देखेंगे हैवी वेट हमारे सारे मेंटोर्स सही है, और सारे इंटरनेशनल प्लेयर हमारे खेल रहे, हर टीम के अंदर दो दो तीन तीन इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, मगर यार आप सारी टीम्स की सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग देखें, बिल्कुल ऐसी बैटिंग कर रहे हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे, जैसे ऐसी बैटिंग हमारे यहाँ लोग क्लब क्रिकेट में ना करें। ठीक है, आप मानता हूँ पिच पुरानी है, पिच पुरानी हो रही है, डिटेरिएट थोड़ी सी होती है, अंडर लाइट बॉल जो है वो थोड़ा सा उसको मूवमेंट मिलती है ऑफ द पिच, वो थोड़ा मेरे ख्याल से मुझे जितना मुझे देख के लगा कि वो बॉल शायद थोड़ा स्केड स्केड भी हुआ है, बॉल स्केड हो रहा है, तेज आ रहा है बॉल, सारी चीजें हैं, मगर आपको एक मैच आखिर के मैच दो तीन मैचेस के अलावा आपको शुरू में लगा ही नहीं कि यार कि ये आपके प्रीमियर बैटर्स खेल रहे हैं, कि जिनको थोड़ा सा आइडिया हो कि यार कि हमें चेस की तरफ जाना कैसे, हमने पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है, हमने स्ट्राइक रोटेशन कैसे करनी है, वही एग्जैक्ट सिचुएशन, वही मसले मसाइल हमारे, कि हमें ना स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिल रही है, ना हमें पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, कि भाई कि आप कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको पार्टनरशिप नज़र आए। हाँ एक बड़ी पार्टनरशिप आपको नज़र आएगी जो 100-150 रन की पार्टनरशिप होगी, मगर उसके अलावा आपको पार्टनरशिप सिरे से नज़र ही नहीं आएगी, एक एक या मैक्सिमम दो पार्टनरशिप आपको नज़र आएंगी पूरी इनिंग्स में, उसके अलावा आपके पास बस यानी कि हिट एंड मिस हुए हैं बैटर्स ना, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो या वो टेल एंडर हो, राइट। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यही चीज़ हमें इंटरनेशनल में देखने को मिल रही है कि हमारे बैटर्स को पार्टनरशिप बिल्ड करना ही नहीं आ रहा, उनके पास स्ट्राइक रोटेशन है नहीं। एक तो सबसे बड़ा मसला हमारे मेजोरिटी ऑफ द बैटर्स ये है कि उनके पास पावर रेटिंग है नहीं सही है, जो वाकई में जो टेल एंडर पोजिशंस पर आते हैं वो पावर रेटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत छक्के वक्के मार लेते हैं, वरना ऊपर के जो चार पांच नंबर चार पांच बैटर आते हैं बारिंग फखर, उसके अलावा आपके पास कोई बैटर ऐसा नहीं है जो एट विल पावर हिटिंग कर सके या बाउंड्री हिटिंग कर सके। तो आगे बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्कोरिंग ऑप्शन क्या है, आगे बाद नेक्स्ट स्कोरिंग ऑप्शन सिंगल डबल का है, स्ट्राइक रोटेशन का है, पार्टनरशिप बिल्ड करने का है। अगर आप उसी में लैग कर रहे हैं और वही आपका वीक पॉइंट बना हुआ है, तो फिर आपकी बैटिंग में बचा क्या है। नहीं वैसे नया लड़का है ना अब्दुल समद, वो हाँ 150 के स्ट्राइक रेट पे 180 के स्ट्राइक रेट पे मारेंगे, वो कोई बात नहीं है, वो भी शायद कंसिडर होने लगे, हाँ होने लगेंगे लेकिन वो नेक्स्ट बिग अभी थिंग उसको दरख्त वो मत तोड़ो प्लीज, अभी नहीं उसको दरख्त नहीं क्या लगा रहे मेरे को। वो दरख्त वो दरख्त घेर लिए लोगों ने ना, वो चादर लेके गडरी चाबी हिलाओ अभी मेरे मेरे भाई ने। ख्याल से मेरे ख्याल और एग्जैक्टली मैं ये अभी ये ट्वीट बता रहा हूँ ना, ये मैंने इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग ये शायद अली खान तरीन की ट्वीट थी उसकी पहली इनिंग्स के बाद अब्दुल समद की, कि उन्होंने ट्वीट करके बोला कि समवेयर आई एम पैराफ्रेजिंग इट, मगर वो उसने कुछ इस तरह से बोला कि आई वॉन्ट बी सरप्राइज टू सी अब्दुल समद गेटिंग पिक्ड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन PSL। मतलब एपिकल आपने ऑलरेडी प्लेयर के दिमाग में बिठा दी कि यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, मत करो नहीं परफॉर्म, हो गया भाई। वो कर अगर दिया, वो अमर हो गया, हाँ वो ना अब वो अमर हो यार, गया वो। हाँ अगर मुझे कोई ये कहे ना एक परफॉर्मेंस की बेस पे कि यार डन, मैं यार भाड़ में तुम्हारा टोर, मैंने हाँ करना ही नहीं, अब उसकी तैयारी करूंगा बैठ के। हद है यार, मतलब अभी ये भी कोई और वो वही बाइट नहीं, नहीं है, वो खुद ही उठा ले वो।
उसने इसे तो ट्वीट की है, क्यों खुद ही उठाएगा भाई, ये भी नहीं है कि उठा के उसको मैच भी ना खिलाए। नहीं मैच चलो बात की बात है, उठाए नहीं, ये सब बिग डील ना, आपने आधा प्लेयर तो वहीं जाया कर दिया ना उठा के, वाइल्ड कार्ड। अब उसकी प्राइम एग्जाम्पल जिशान अशरफ है ना, कहाँ है वो, वाइल्ड कार्ड उठे थे ना वो, कहाँ गए वो, कहीं नजर आ रहे हैं अब, वो वो किसी को पीएसएल याद तक भी नहीं में नजर होंगे, नहीं वो आते। हाँ किसी वो को कहीं याद भी नजर नहीं ही होंगे नहीं आते, फ्रेंकली। वो ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना वो पीएसएल में, कहीं भी दूर दूर तक उनका नाम नहीं है, मगर वो वाइल्ड कार्ड उठे थे वो। तो हाँ ये प्लेयर अच्छा था क्लासी वैसे वो। लेफ्टी में प्लेयर था वो। तो खैर तो गाइस चले, आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक दें कमेंट्स पे कि 6 मिस कप आपको कैसा लगा, एंड एनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दैट यू गाइस थॉट दैट वी मे हैव मिस्ड टू कवर, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।